जन्म से दृष्टिहीन है, फिर भी सभी वेद पुराण कंठाग्र हैं। 1.5 लाख से अधिक पंडे कंठस्थ हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पद्मश्री से कर चुके हैं सम्मानित, जिनके आगे प्रधानमंत्री भी झुकाते हैं सिर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जिनसे सीखी विद्या, कौन है जगतगुरु राम भद्राचार्य, जिनके आगे विज्ञान भी हो चुका है फेल, राम मंदिर पर दिलाई सनातन को जीत। दुनिया के वो महान संत जो न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी गीता से लेकर रामायण तक और वेद से लेकर पुराण तक के किस पन्ने पर क्या लिखा है सब कुछ ऐसे ही बता देते हैं। ऐसे महान संत पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गुरु हैं, जिनके पास रहकर धीरेंद्र शास्त्री ने यह विद्या सीखी, जिसे कुछ लोग अंधविश्वास कह रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य कौन है। बताते हैं आपको, यूपी के जौनपुर में जन्मे गिरिधर मिश्रा की आंखों की रोशनी 2 महीने में ही चली गई। डॉक्टर्स इलाज कर हार गए, कहने लगे ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ब्रेल लिपि से पढ़ाए तो कुछ कर सकता है। बच्चे के दादाजी ने गीता, रामायण और वेद पुराणों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जिसका असर इतना हुआ कि मात्र 3 साल की उम्र में बच्चा जब ढंग से बोल भी नहीं पाता, उस उम्र में तब उन्होंने एक रचना कर डाली जिसमें लिखा था, हे यशोदा तुमने मेरे गिरधर की बांह क्यों पकड़ी। घर वाले समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे जैसे गिरिधर बड़े हुए, सुनकर ही सब कुछ याद रखने लगे, 22 भाषाओं की जानकारी हासिल कर दी, जबकि हम और आप ढंग से अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा भी नहीं सीख पाते। इन्होंने बोल बोल कर ही 80 रचनाएं कर डाली, जिन्हें लिखता कोई और है। जो लोग तुलसीदास के रामचरित मानस पर सवाल उठाते हैं, रामचरित मानस को नफरती बताते हैं और बैन करने की बात करते हैं, वो जगत गुरु राम भद्राचार्य के एक भी सवालों का शायद जवाब न दे पाए, क्योंकि इस युग में तुलसीदास की रचनाओं का इनसे बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं। साल 2015 में इन्हें ऐसे ही शक्ति के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्मश्री तक से सम्मानित किया था। लेकिन संत को पुरस्कार से क्या लेना देना, इन्हें तो बस भगवत भक्ति प्यारी होती है। जैसे धीरेंद्र शास्त्री किसी चमत्कार का दावा नहीं करते, कहते हैं ये सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है, खुद को हनुमान जी का सच्चा भक्त बताते हैं, वैसे ही उनके गुरु राम भद्राचार्य भी हनुमान जी के परम भक्त हैं। ऐसे संत के सामने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी सिर झुकाते हैं। सोशल मीडिया पर ये किस्सा इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मसले पर जब सुनवाई अटकी तो जगत गुरु राम भद्राचार्य ही सबूत पेश करने पहुँचे। उन्होंने ऋग्वेद के जैमिनीय संहिता से ऐसे ऐसे प्रमाण पेश किए कि जज साहब भी कहने लगे, असल ईश्वरीय चमत्कार तो यही है, जो व्यक्ति न आँखों से देख सकता है, जिन्होंने सब कुछ सुनकर ज्ञात किया है, खुद कभी ब्रेल लिपि से लेकर किसी भी तरह की तकनीक का सहारा नहीं लिया, उनकी बताई एक एक बातें हमें सही मिली है। मतलब राम भद्राचार्य ने भले ही भगवान को खुली आँखों से हमारी और आपकी तरह नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने भगवान को दिल की गहराई से महसूस किया है, अंतरात्मा से उनके दर्शन किए हैं। जब उनसे बाबा रामदेव ने पूछा कि कुछ लोग आपके शिष्य धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो राम भद्राचार्य मुस्कुराने लगे और बाबा रामदेव ने कहा, जो दिख रहा है वो सिर्फ 1% है, बाकी 99% सच तो आप खुली आँखों से देख ही नहीं सकते। जिन्हें यह सब अंधविश्वास लग रहा है, उन्हें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को देखना चाहिए, जिनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है, जिन्हें न विज्ञान समझ पाया न बड़े बड़े विद्वान।